हाँ, जोई इज अपवर्ड ऑप्शन। अच्छा ऐसा क्यों? सारी बातें समझती है, हिंदी समझती है क्या तू? हिंदी समझती है? तो ये देख लो, जर्मन शेफर्ड ना ओबीडियंस के मामले में रॉटवाइलर से तो बेटर है। ये है एपिसोड नंबर 21 ऑन जेन जोई। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 4:50 और मैं आया हूँ सीधा ऑफिस ताकि इनको मैं फीड दे सकूँ। और रात को मैं आया था 12:30 और यहाँ आपकी एक्सपोर्ट लग गई है जो आप देख चुके हो। टाइम हो गया है सुबह के 6:04। मेरे लैपटॉप का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। आप नीचे जाके बच्चों को उठा दो, आज उनका स्कूल है तो चलते हैं नीचे, बच्चों को उठाते हैं और यहाँ पे हीटर ऑन कर जाते हैं ताकि यहाँ के बच्चे थोड़े शांति से गर्म माहौल के अंदर रहें। आज दिल्ली के अंदर कल रात को ये बारिश, और यहाँ बच्चे लेटे हुए हैं। लेटो लेटो, आराम से लेटो। तो यहाँ की कर दी मैंने लाइट बंद, और साथ में मैं आशीर्वाद के चक्कर में ये माता रानी जला देता हूँ। माता रानी की ये तस्वीर, तो माता रानी ध्यान रखना बच्चों को। तो ये हमारे बच्चे बच्चे हैं, ऑफिस के अंदर एडिटिंग हो गई है। सुबह 6:04, बाहर चलते हैं। लेडी ऑली को हमने बाहर छोड़ा। तू शोर क्यों मचा रही है? पॉटी कर दी। अरे तुम्हें पॉटी आई हुई थी तो मैं लेके जा तो रहा था तुम्हें। यहाँ चमेली बैठी हुई है, मौसम ठंडा हो गया। हाँ रुक जाओ, रुको, अभी अंदर नहीं जाना वाला, वापस आ जा बाहर। अभी थोड़ी देर तो बाहर बैठ जा, बैठ जा यहाँ पे थोड़ी देर। तुझे अंदर जाना है तो अंदर जा, चल जा अंदर बैठ जा बच्चों के साथ। इसका मन कर रहा था अंदर बैठने का। हाँ देख लिए बच्चे, बैठ जा आराम से थोड़ी देर यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ आराम से बैठ जा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग दीदी। 6:10 हो गए। रात भर सोई है या ड्रामे करती रही है? हैं? चला तेरे को घुमा दू बाहर, चल थोड़ी देर, चल चल थोड़ी देर घूम ले। हाँ बच्चों अभी नहीं, अभी तुम्हारी सफाई होगी। अरुण भैया को मैं उठाया हूँ, चलो हट जा चमेली। हाँ सोई, थोड़ी देर फ्री हो जा बेटा, हो जा थोड़ी देर फ्री हो जा आराम से। और बब्जी वहाँ ना ऊपर से देख रहा है कि मुझे नहीं लेके गया। अभी थोड़ी देर में आता हूँ बच्चों को स्कूल भेज के। चला कम, चल 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 चलो आराम से घूम ले, चल तूने नहीं करना, उसके साथ ही फ्री होना। चल हाँ तेरे को लेके जा रहा हूँ, रुक जा आ रहा हूँ। चमेली भी पूरी रात अंदर थी, बारिश बंद हो गई थी तो हमने खोल दिया था ये। कल रात को हमने एक नई चद्दर लगाई थी वहाँ पे, तो इनकी ब्लैंकेट ना हमेशा 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। अब ये ना कह रही है मुझे बच्चों के पास जाना, पर मैं अगर अभी खोलूँगा ना तो अंदर इन्होंने पॉटियाँ की हुई हैं, अभी जब तक सफाई नहीं होगी तब तक फ़ायदा नहीं, इनके सबके पैरों पर लग जाएगी। रुक जा थोड़ी देर, रुक जा बब्जी, चला सोई आजा घूम ले थोड़ी सा। चलो भाग जाओ ऊपर, सुबह 6:00 इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं। रुक जा लेके आता हूँ उसको, घुमा देता हूँ तुम्हें। सुबह सुबह घूमना है ना, सुबह सुबह घूमना है तो चलो फिर, चल बब्जी को लेके आए, चल भाग आ तो रहा हूँ, चलो चल चल हो जाओ फ्री। ये ना हमेशा इसके साथ ही फ्री होती है बब्जी के साथ, और जब मैं अकेले बोलूँ ना फ्री हो जा तब नहीं हो रही। ये देखो अब यहाँ पे ना शुशु कर रही है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको घुमा के आया था। ये देखो कैसे ट्रेल में सुसु करती है, और ये बब्जी। चलो भागो, सुबह 6:20 हुए और मैं इनको लेके जा रहा हूँ सैर पे इनकी। चलो 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 आ जाओ। तो बब्जी और जोई एक ही आवाज के ऊपर ना प्रकट हो गए हैं सुबह सुबह। हाँ
ड्रेसेस छोड़ा है अपने अंदर? बबे नो नो ना ना लग जाएगी तेरे को, पंगे लेता है। ये देखो फिर शुशु कर रहा है बबजी। वो देखो इनके चक्कर में ना चमेली देखो कहाँ पे छुप के बैठ गई है। तो क्या कि अब आ गए हैं घूमने के लिए, अभी सुबह सुबह घूमेंगे। बब्बे कम 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 बबजी कम, चलो नहीं चलो कम चलो 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 कम बब्बे कम उधर चलो, बच्चों के पास नहीं चल चलो 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 भाग जाओ ऊपर भाग जाओ चलो चल। फिर पंगे लेती है, मार खाएगी मुझसे। सुबह सुबह शोर मचवा रही है कॉलोनी में। भैया मॉर्निंग में दिन निकल चुका है, आप देख रहे हो ऊपर लेडी वाली बैठी है, यहाँ हमारे बब्जी भाई साहब बैठे हैं और यहाँ पर अरुण जी सफाइयाँ कर रहे हैं इन छोटे बच्चों की। हाँ क्यों फिसल रही है? और जोई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह घूम लिया है ना तूने, मजा आ गया होगा तुझे। आराम से बैठ जाओ आराम से बैठ। तो ये ना ऐसे बैठती है, इधर की देखती है, फिर इसके ऊपर चढ़ती है और यहाँ का देखती है। बड़ा मज़ा आता है इसे, है ना? बहुत मज़ा आता है। और यहाँ बच्चे तैयार हैं, शिविया तो जा रहा है स्कूल और जेजू आप कहाँ जा रहे हो? आप भी जा रहे हो ना स्कूल, जा रहे हो ना सुबह सुबह? बताओ। हेलो हे, मेरी तरफ देख लो, दोनों टीवी के अंदर घुसे हुए हो, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करनी होती? तो ये हो गए सारे के सारे तैयार, देख लो जेजू कैसा दिख रहा है और शिबिया की ये रही स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ भाई देखो मैंने ना टीवी बंद किया था आवाज़ की, ताकि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ इनको। ये लो भाई ये लो, हाँ ये लो। अरे रुक तो जाओ, रुको, मानते नहीं बच्चे। बाय, शर्मा रहा है? बाय 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 जे, चलो बाय। और यहाँ मॉर्निंग के अंदर सुबह 8 बजे हम जा रहे हैं मन्नी और मैं जल। तो आज हम कम से कम भी 1-1.5 हफ्ते बाद जा रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए दिवाली के बाद तो हम गए नहीं। यस, और ये हल्के हल्के देख रहे हो बारिश शुरू होनी हो गई है ना? और ऊपर तू बच्चों को दूध लगाया है? हाँ, 4 बच्चों को लगाया है। हाँ बाकियों को फिर इंटरचेंज करते हैं। चल ठीक है। तो फाइनली हो गई है जिम से वापसी, टाइम हो गया 10:30। तैयार मैं हो गया हूँ, नहाया नहीं हूँ और मैं नहीं नहा रहा, ठंड ज़्यादा, सिर्फ मुँह हाथ धोऊँगा जब बाहर जाना है कहीं, और 12 बजे कहीं जाना है, मीटिंग है मेरी। और इन द मीन टाइम मन्नी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करके एडिटिंग करके बैठ गई है, अब अपना ऑफिस का काम शुरू करने वाली है। ये जान के ड्रामे करती है, जैसे कैमरा ऑन होता है ना मेरे को ना एकदम से ठंड का झोंका आया तो मेरी बॉडी ना। हाँ तेरे को वैसे नहीं आ रहा, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तभी आता है तुझे। मैं पहले से कर रही थी, तुमने कैमरा। यहाँ अरुण जी ने खाना बना लिया है बच्चों का और जोई को खाना मिल चुका है, और ये हम थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं इस टाइम लेडी ऑली को, ताकि उसके दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वो खाना बब्जी का है, अंडे और चावल। 12 बजे एक और मील मिलेगी लेडी ऑली को। जोई को आज मैंने ना बाहर ही रखा है, मुझे लग रहा है कि ना ये सेफ है बाहर। ओए अंदर क्या करने जा रही है? बाहर आ जा। तू सारी बातें समझती है? हिंदी समझती है क्या? तू हिंदी समझती है? डाउन डाउन गुड स्टे। तो ये देख लो जर्मन शेफर्ड ना ओबीडियंस के मामले में रॉटवाइलर से तो बेटर है। चल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तेरे को थोड़ी देर में मिलता हूँ। अंदर आना, अंदर आ जा, चल जा मम्मा पास बैठ जा, बैठ जा बैठ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी क्यों पसंद नहीं है? तुझे पसंद नहीं है क्यों? तुझे नहीं अच्छी लगती? जो इधर आइए जरा, ये मेरी बब्जी वाली बात मानती होती ना तो अभी तक वो पसंद आ जाती 2 मिनट में, है ना? नहीं, जो इज अपवर्ड ऑप्शन। अच्छा ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, मेरे को नहीं चाहिए ये लड़की। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे से प्यार नहीं करती। और तो वो भी बोल सकती है पर वो बोल नहीं पाती, वो भौंक के काटेगी सीधा। वो काटेगी जिस दिन उसने काट लिया मेरा नाम। चल कुछ नहीं होता, बैठ बेटा तेरा ही घर है, ठीक है आराम से बैठ, जहाँ लेटना है सोफे पे लेटना, सोफे पे लेटना, यहाँ क्यों बैठी है, आराम से लेट। चले अरुण भैया जी आ जाओ। मैडम भूखी ने ना अपना खाना खा लिया और मुँह टेढ़ा करके ना अरुण भैया को देख रही है कि मेरा कहाँ है। तू खा चुकी है अभी 5 मिनट पहले, यहाँ अपना दूध पी रही है, ये अपना खाना खा रहा है,
और ये देखो कैसे बैठी हुई है कि मुझे भी शायद थोड़ा और मिल जाए। नहीं मिलेगा तुझे खाना, तू खा चुकी अपना पूरा, समझ आई? ये ना क्यूट ठीक है, इसके क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशंस देख लो, बहुत क्यूट एक्सप्रेशंस हैं। हाँ नहीं मिलेगा, देखो उसको देख रही है कि ना मेरे को भी कुछ मिल जाए। नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा, बैठ जा यहाँ पे। हाँ बैठ जा, टंग निकाल, जो मर्जी कर, तू आराम से अपना खाना खा के आइए। कैसा लग रहा है तुझे बब्बे? अब इसका ना पतीला चाटने आएगी, देखो। ओए हैं, भूखी है तू? सो रात को हम लेके आए हैं जोई को वॉक पे। मन्नी का बहुत मन कर रहा था कि यार थोड़ी सी वॉक करते हैं, और मैं अभी अभी बास्केटबॉल खेल के आया हूँ। क्या हो गया, थक गई? पूरा टायरिंग दिन था ना, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और जोई को देखो बिल्कुल तमीज़ से खींच चल रही है, कोई लीच पुलिंग नहीं कर रही, आराम आराम से साथ साथ। हाँ जोई, अभी मुझे रात को ना ऊपर जाना है, लेडी ऑली के बच्चों को दूध लगाना है, 2 घंटे कम से कम। हाँ जी, मोड़ पे किसको देख रही है तू? जोई थोड़ा ना इस तरफ चल ले। जोई ने ना अपनी पूरी रस्सी ना देखो, देख रहे हो कितना बुरा हाल किया, ये नई रस्सी थी एक टाइम पे। हाँ और क्या, जब हाँ सही भाई। जोई ये देखिए देखिए देखिए, ऐसे क्या किया तूने ये? और लोगों को ना ऐसे लग रहा है कि इतनी पुरानी रस्सी में घुमा रहे हैं ऐसे, ये देखो। ओए रस्सी खराब करती जोई, हे जोई सट। क्यों बर्बाद किया तूने? चल चल चले, आ जाए एक राउंड और लेते हैं बस। चल 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 ले चल ले, आ जाओ मेरे बच्चों। तो जोई की ग्रोथ कैसी है आप मुझे कमेंट्स में बताओ, नज़र मत लगाना बस। यार मेरे को यार पूछना, मेरे को ना पता है क्या, मुझे लोगों से ये नज़र का टीका लगा, ठीक है? तू क्या कर रही है यहाँ पे घुस के? चल चल। साले मम्मी से बदतमीजी मत करियो, मम्मी वैसे ही गुस्से में है, समझ रही है तू मेरी बात? मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो ना अभी एक छोटा बच्चा था अपने फादर के साथ, उनकी वो पास से निकल रहे दोनों बाप बेटा, तो ना क्या कहते हैं वो देख के ना उसके फादर ने जोई को ना ऐसे किया। मैंने कहा जो बच्चा जो फादर ही डरता है वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा। तो ये ना बचपन से अगर पेट पेरेंट हो ना तो वो चीज़ें ना, वही तो कहते हैं पेरेंटिंग के अंदर ना एक डॉग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम अपने बच्चे को और उसके आगे वाली जनरेशन को ना ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे रात को ना मैंने इन चारों बच्चों को दूध लगा दिया, तीनों को बाद में। तो मैंने आपके एडवाइस मान ली है, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप बच्चों को ना इकट्ठे दूध मत लगाओ, 4 और 3 या फिर 2 और बाकी बच्चे हुए ऐसे ऐसे करके लगाओ, ताकि सबका ना पेट भर जाए। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस मुझे कॉमेंट्स में मिली है। तो अब 9:45 सुबह मैंने इन बच्चों को दूध लगा दिया, अभी आधे घंटे में आऊँगा, फिर ये वाले इधर जाएंगे और वो वाले उधर जाएंगे, फिर इनको अलग कर दूंगा, और सुबह फिर 4:30 बजे का अलार्म लगा के मुझे ऊपर आना पड़ेगा। पी लो पी लो, दूध पी लो। और यार रात को ना लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आई थिंक गुरुपुरब की खुशी में। ये देखो आपको आवाज़ें आ रही हैं, ये देखो ये सारे पटाखे फोड़ रहे हैं सामने वाली रोड पे। और यहाँ बब्जी ना इतना शांत बैठा है, वो कह रहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जितने मर्जी पटाखे फोड़ लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो चला घूम, आ जा, मुझे पता तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू दिलेर है, तू दिलेर है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बक्सी को ना मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ इस हिसाब से कि ताकि लेडी ऑली को पता ना चले, पर लेडी ऑली को ना पता चल गया। वो देखो वो अंदर बैठी हुई है, और इसका ना वो देखो इसको पता चल गया, ये देखो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है, हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है। दरवाजा बंद कर दिया, कुछ नहीं होता, फ्री हो जाए, ये सिर्फ 10 मिनट में फ्री हो जाएगा। सबसे अच्छा बच्चा है हमारा, इसे ना कोई वो नहीं है घूमने फिरने का, सिर्फ मुझे फ्री कर दो। देखो यहाँ पे खड़ा हो गया ना, सुसु करेगा आधा पौना घंटा। हाँ बस सूंघ ले, तेरे एरिया में कौन कौन आया। यहाँ हमारी कॉलोनी के अंदर इधर गुरुद्वारे पे बज रहा है डीजे, यहाँ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं,
यहाँ देखो कितना रात का एटमॉस्फेयर है और पटाखे इतनी तेज तेज फट रहे हैं, बट हमारा रॉटवाइलर बब्जी, द किंग ऑफ रॉटवाइलर बब्जी, ये अपनी धुन में है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी आवाज़ कर लो, ये अपनी मस्ती के अंदर है और अपना मस्ती से घूम रहा है। लाइफ थोड़ी टफ हो गई है, सुबह के बजे 4:45 और बस अलार्म लगा के उठ तो गया हूँ, अब ऊपर जाके बच्चों को दूध लगाया तो गाइस कभी किया नहीं है, बट हाँ ब्रीडिंग में लाइफ टफ है और ये ब्रीडिंग में ये नेचुरली हुआ है। यहाँ हीटर चल रहा है, बच्चे अपना आराम से सो रहे हैं, थोड़ी देर में मदर को बुलाते हैं अंदर, हीटर बंद, ओला को बुलाते हैं अंदर, देखते हैं। और सुबह 5 बजे बब्जी और लेडी ओली क्या कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, हो, हाँ मेरा बच्चो, हाँ प्यार चाहिए, प्यार चाहिए ना, है अंगड़ाइयाँ ले रहा है तू, है प्यार चाहिए, ओला तुझे भी प्यार चाहिए, हाँ चला दूध पिला दे, चल बच्चा को चल दूध पिला दे, हाँ तो ये अंदर ही जा रही है सीधा बच्चों के पास, वहाँ पे जाके खड़ी हो गई है, चलो 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 चलो, बस मम्मी के आते ही ना मम्मी बैठ गई है, बच्चों की आवाज आ गई है, स्मेल है, ये लो आवाजें शुरू हो गई ना, अब दूध पिला दे आराम से। और गाइस इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ कल के नए एपिसोड के अंदर, सी यू टुमारो, बने रहिए जेएन ज़ोई पे, बाय।